यस स्वाति, हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून बेटा। कैसा हुआ आपका एग्जाम, कैसा हुआ? सर मेरा एग्जाम अच्छा था सर, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे और हाँ माइनर लॉज जो थे उनसे ज्यादा थे, और स्टेट लॉज जो थे सर, एक्साइज एक्ट, रजिस्ट्रेशन, उनसे क्वेश्चंस काफी थे। मेजर लॉज का वेटेज वो थोड़ा कम था, पर था सर। ओके 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 और सेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन था सर, ओवरऑल पेपर वाज गुड सर। ओके सो मतलब कैसे आप कहेंगे कि इजी था, टफ था या मॉडरेट था? अगर किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी तो इजी था, और अच्छा बिगिनर्स के लिए इट वाज इजी और मॉडरेट के बीच में था सर। ठीक है, और आपके लिए कैसा था? सर मेरे लिए सर, माय पेपर वाज 70% गुड सर। गुड गुड गुड, 70%। यस सर। ठीक है। सो स्वाति, लोकल लॉ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़ा आइडिया सर हुआ आपको? लोकल लॉस का वेटेज सर 55% तक था सर। 55% क्वेश्चन लोकल लॉ यस से। सर। यस सर। ओके। और लिमिटेशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, मतलब जो भी ये सब माइनर लॉज है इनके भी वेटेज काफी था सर। ओके, मतलब मेजर मेजर लॉ से कम क्वेश्चन पूछे इन्होंने। हाँ सर, सीपी, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस से सर हार्डली 3-4 क्वेश्चंस होंगे सर, और वो भी सेक्शन बेस्ड ही थे। ओके ओके, तो मतलब कैसे, ज्यादा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ रहा हो या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सर, उतना दिमाग नहीं, पर थोड़ा बहुत लगाना था सर, थोड़ा थे? बेसिक तो उतना, लाइक कॉमन सेंस अगर से अगर इंटेलिजेंटली बेस्ड किया जाए तो वो सर सॉल्व हो जाता सर। ओके। सो स्वाति, लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ आपने दिया था, लास्ट टाइम नहीं सर, मैंने नहीं दिया था सर। पेपर देखा था आपने सर लास्ट पर टाइम हाँ का? देखा, उससे इजी था लास्ट टाइम जो लास्ट टाइम पेपर था से उससे। इजी था। यस ठीक है ठीक सर। है। यस सर। सो कट ऑफ का क्या आइडिया रहेगा आपके अकॉर्डिंग, कट ऑफ कितनी जा सर सकती है मुझे आपकी? तो लग रहा है सर 80+, 80+, क्योंकि लास्ट एटी टाइम एटी एटी फाइव थ्री लास्ट टाइम 83 थी ना, एग्जाम हाँ टफ सर, था। तो इस बार इजी भी था। और सर इस बार मेरा जो सेंटर वो रायपुर में था सर, हाँ और वहाँ के जो मैं जिस कॉलेज मतलब स्कूल में मैं थी, वहाँ पे अटेंडेंस काफी कम थी सर। ओके, क्योंकि बच्चों की ट्रेन मिस हो गई ना, काफी बच्चों की, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा सर, जैसे मेरे क्लास में जो वो 24 लोगों की सीट थी, उसमें 16 प्रेजेंट थे और 8 एब्सेंट थे सर। ओके ओके ओके, यस सर। ठीक है ठीक है, मतलब एब्सेंस होने की वजह से कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रह सकती है, अदरवाइज पेपर इजी सर था। पेपर इजी था सर, और कट ऑफ हाई ही जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो और ज्यादा ही जाएगी। हाँ स्वाति, कोई क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो, कोई मतलब ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा हो जो आप बताना चाहते हो, क्योंकि आपको स्टूडेंट सुन रहे हैं यहाँ पे लाइव। सर बेसिक क्वेश्चन ये था कि सीपीसी के कौन से ऑर्डर में कॉस्ट रिलेटेड है, ये एक डायरेक्ट अरे क्वेश्चन था। डायरेक्ट क्वेश्चन सीपीसी का। हाँ सर। और एविडेंस का था इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन, ये फिर उसमें सेक्शन था 151, 149, तो ओके वो किसमें आता है। और सर सीआरपीसी से, सर सीआरपीसी का क्वेश्चन मुझे एट द मोमेंट याद नहीं आ रहा। और आईपीसी सर सर डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, 83 से डायरेक्ट क्वेश्चन थे सर। ओके, मतलब हम कह सकते हैं जिसने बेरक्ट अच्छे से पढ़ रखा है उसको एग्जाम क्लियर हो जाएगा ये। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू स्वाति बेटा, थैंक यू सो थैंक यू मच, सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू ओके सर। ओके। थैंक यू सर। सो सेम रिव्यू है स्वाति का, निखिल का, अरुण का, सब लोग यही कह रहे हैं कि पेपर जो था इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे, बेसिक क्वेश्चन थे, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। कट ऑफ लास्ट टाइम से अब की बार थोड़ी सी हाई जा सकती है। ठीक है, एक दो और बच्चे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उनका और रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो जैसे स्वाति ने बताया, सेक्शन बेस्ड लोकल लॉज अगेन 55% क्वेश्चन यहाँ से आए थे, मेजर से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लिमिटेशन एंड एनआई एक्ट से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं अब की बार। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे लक्ष्मी अब की बार, सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इनडायरेक्ट नहीं थे। चलिए एक दो बच्चों को और करते करेक्ट, बेरेक्ट ही सफिशियंट है। यस बेरेक्ट ही सफिशियंट था अब की बार एग्जाम में, जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे डायरेक्टली बेरेक्ट से ही आए हैं। दो दो तीन बच्चों के साथ और जुड़ते हैं। देखो ये मैं अपना रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मेरा रिव्यू नहीं है, मेरा बाद में आएगा पेपर देखने के बाद, अभी मैं इन स्टूडेंट्स का कर रहा हूँ जो अभी एग्ज़ाम देके निकल रहे हैं वहाँ से, क्योंकि एग्ज़ाम अभी 1 बजे ख़त्म हुआ है इनका, तो इन्हीं से हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं। हाँ डेप्थ में पढ़ो तो बिल्कुल सफिशिएंट है, और सारे सेक्शंस पढ़ा करो। बेरेक्ट एंड एमसीक्यूज मोर देन सफिशिएंट होते हैं छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के लिए। चलिए हाँ, बेरेक्ट बेस्ड था नितिन, बिल्कुल बिल्कुल।
हेलो हेलो जगदीप, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो जगदीप, आवाज आ रही है आपको? चलिए थोड़ा सा वहाँ पे शायद नेटवर्क इशू है, स्टूडेंट्स की साइड में कनेक्ट करते हैं। हेलो, यस एकता बेटा, कैसा हुआ एग्ज़ाम? बच्चे आपको सुनना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम का रिव्यू बताइए कैसा रहा। आपकी आपकी थोड़ी वॉइस वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है एकता, थोड़ा सा एक बार वॉइस डिस्कनेक्ट हो रहा है। हेलो हेलो, शायद नेटवर्क इशू है छत्तीसगढ़ में। यस 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 बेटा, प्लीज़ कीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, एक दो बच्चों के और रिव्यू आपको मिल जाएंगे तो आप लोग मतलब सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ भाई एग्ज़ाम कैसा था, हमें कैसी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके पास एक आइडिया होना चाहिए, है ना, कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम कैसा था, लेवल कैसा था एग्ज़ाम का। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हाँ पेपर इजी था, पेपर तो इजी था, ये तो साफ साफ है। लो क्वेश्चन पेपर भी आ गया है अपने पास, क्वेश्चन पेपर आ गया, अब अपन क्वेश्चन पेपर ही निकाल लेते हैं। आगे के एग्ज़ाम के लिए अभी तो आपको यही एक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, आपको पुराने एक्ट ही पढ़ने हैं क्योंकि कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है, पुराने एक्ट ही आपको पढ़ने हैं आगे वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पेपर आ गया है हमारे पास, क्वेश्चन पेपर हम निकाल लेते हैं। जब तक बच्चे कॉल कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आ गया है आपका छत्तीसगढ़ का, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेगा? लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, क्लास एंड होते ही आपको लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप पे ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। लीजिए, हमारे पास कॉल आ गया है। हेलो, हेलो। यस एकता बेटा, हाँ जी सर, कैसा हुआ एग्ज़ाम, क्या आपका सर रिव्यू क्या है? एग्जाम बहुत अच्छा था, बढ़िया हुआ, और जो आपने मॉक टेस्ट करवाए थे बहुत हेल्पफुल थे। ओके कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन थे ठीक जो है, आपने मतलब करवा दिए थे पहले ही। हाँ जी आईपीसी से रेयरली सर 6 क्वेश्चन थे, और वही रिपीटेड प्रीवियस ईयर वाले। मतलब कोई नया क्वेश्चन नहीं था। नहीं सर, कोई नया नहीं था, बस इन्होंने जो लोकल एग्जाम जैसे सर पिछले साल दिया था हमने 10 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में। लोकल से कितने क्वेश्चन होंगे, मतलब 40 50? सर 10 तो एक्साइज के, 8 क्वेश्चन एलआरसी के, 8 to 9 कोटसी वाले, हाँ और रैंक कंट्रोल के भी सर 7 to 8 क्वेश्चन थे। 7 to 8, मतलब ऑलमोस्ट करें तो 40 के आसपास क्वेश्चन थे लोकल जी दो से। सर, जी सर, और सीपीसी के रेयरली होंगे सर 4 क्वेश्चन। ओके, सीपीसी के सिर्फ 4 ही क्वेश्चन? तो बिल्कुल मेजर सब्जेक्ट में इन्होंने कहाँ से ज़्यादा पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन से? सर, कॉन्स्टिट्यूशन था इनका सर, और सीपीसी बस फोकस, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट से कितने क्वेश्चन थे एकता? 4 ही 4 5 होंगे बस, 4 5। ज्यादा नहीं ओके, और लेवल कैसा था एग्जाम का? सर। बहुत ही इजी, मतलब इसको भी अगर टफ कहेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो आपका कैसा हुआ एग्जाम, मेरा तो सर अच्छा हुआ। क्या चांसेस हैं आपकी बार? हाँ सर, प्री क्वालिफाई होगा जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो सर। कट ऑफ का क्या आइडिया हो सकता है एकता? सर पेपर इजी था तो कट ऑफ हाई जानी चाहिए, तो मतलब लास्ट टाइम 83 गई थी, पेपर टफ था, आपकी बार 90+ हम कह वही सकते हैं? 85 85 सर, ओके क्योंकि ना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि लोकल लो से एकदम से क्वेश्चन आएंगे, सब लोग मेजर सोच रहे थे। और क्वेश्चन कैसे थे, मतलब कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था या इनडायरेक्ट क्वेश्चन सर पूछे गए? सारे प्रीवियसली क्वेश्चन थे ओके, जो मतलब प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल, ओके ओके, सारे मतलब बेरेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, बेरेक्ट से बाहर तो नहीं थे? और आईपीसी के सारे इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन थे सर। ओके, और स्वाति केस लॉज का क्या रहा, केस लॉज आए थे कुछ? स्वाति सॉरी एकता एकता एकता, एकता हाँ हाँ सर, केस लॉ का केस क्या लॉ रहा? तो केस लॉ सर सर सिर्फ टीपीए का आया एक, एक टीपीए का और केस था, कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ दो जी। ही केस लो थे? हाँ
सर दो तीन ही कोई केस लो थे, ज्यादा नहीं आए मतलब केस लो पे ज्यादा फोकस नहीं रहा आपकी बार। हाँ जी हाँ जी। चलो चलो आप पहुंच गए। जी सर, सर एक्चुअली मैं ना अभी बाहर हूँ, थोड़ा बेटा ही की तबीयत ठीक नहीं है, बेटा भी साथ में मेरे ना। चलो चलो ठीक है, ध्यान रखो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके सो अब हमने सबसे डिस्कस कर लिया है, पेपर इजी था, ठीक है। क्वेश्चंस जो थे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट से क्वेश्चन आए थे, कोई भी टेक्निकल और कोई भी सिचुएशन बेस्ड।